देखिए, क्रेडिट कार्ड एक बैंक द्वारा दी जाने वाली इतनी अच्छी सुविधा है कि जब भी आपकी जेब में एक रुपया भी नहीं है तो आप उस क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके उससे अच्छे से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या फिर उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके एटीएम से भी पैसे निकलवा सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये जो क्रेडिट कार्ड होता है ये आपके बैंक के एक डेबिट कार्ड से कैसे अलग होता है, और तो और अगर किसी भी व्यक्ति को एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना हो तो वो कैसे अप्लाई करेगा, और तो और हम ये भी बात करेंगे कि आखिर इस क्रेडिट कार्ड के एक पर्सन को क्या फायदे हैं और इस क्रेडिट कार्ड के क्या नुकसान हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें डेबिट कार्ड की और क्रेडिट कार्ड की, तो ऐसे में डेबिट कार्ड वो कार्ड होता है जो कि आपके एक बैंक अकाउंट से लिंक होता है, और ऐसे में जितने भी आपके एक बैंक अकाउंट के अंदर पैसे होते हैं उसे आप एक डेबिट कार्ड का यूज़ करके एटीएम से पैसे निकलवा सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड की, तो ये किसी भी तरह से आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता, और इसीलिए एक क्रेडिट कार्ड को एक उधार का सौदा बोला जाता है, क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड होता है एक व्यक्ति अपनी एक इमरजेंसी के अंदर यूज कर सकता है, हर महीने एक ट्रांजैक्शन कर सकता है, पैसों की लेन देन कर सकता है ऑनलाइन भी, और इसी के साथ साथ उस पैसे को एक एटीएम से भी निकलवा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो जो क्रेडिट कार्ड है उसकी हर महीने की एक लिमिट कितनी है, क्योंकि जब भी एक पर्सन को एक बैंक द्वारा एक क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है तो इसी के साथ साथ बैंक द्वारा हर महीने उसकी एक लिमिट तय की जाती है, जिस लिमिट के अंदर अंदर वो व्यक्ति हर महीने पैसा खर्च कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर कोई भी पर्सन एक बैंक में एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाता है तो बैंक द्वारा उसकी ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पर उसकी हर महीने एक पैसा खर्चने वाली लिमिट तय की जाती है, यानी कि वो पर्सन उस लिमिट के अंदर ही उतना पैसा ही खर्च पाएगा, उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएगा। ऐसे में मान लो कि अगर कोई भी एक पर्सन है जो जॉब करता है, तो सबसे पहले बैंक द्वारा उसकी एक इनकम देखी जाएगी कि वो पर्सन हर एक महीने कितना पैसा कमाता है, और अगर कोई भी व्यक्ति एक बिजनेसमैन है तो ऐसे में उस पर्सन को एक बैंक को अपनी इनकम एक इनकम टैक्स के थ्रू शो करनी होगी, जिसके बेसिस पर एक बैंक द्वारा उसकी लिमिट तय की जाती है। मान लो कि एक पर्सन की एक महीने में सैलरी है 50,000 रुपये, तो ऐसे में बैंक द्वारा उसकी लिमिट उसकी दुगनी या फिर तिगनी की जाती है, और जनरली अगर कोई भी व्यक्ति 50,000 रुपये कमा रहा है तो बैंक द्वारा उसकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है वो 1,00,000 रुपये रख दी जाती है कि वो पर्सन हर एक महीने 1,00,000 रुपये खर्च कर सकता है। और ऐसे में जब भी कोई भी व्यक्ति उस क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके किसी भी तरह की एक मनी की ट्रांजैक्शन करता है, तो हर एक महीने के एंड में उसके बैंक द्वारा एक क्रेडिट कार्ड की ई स्टेटमेंट भेज दी जाती है, जिसके अंदर उसके पूरे महीने का खर्चा भेज दिया जाता है, और उसके बाद उस व्यक्ति को कम से कम 15 से 20 दिन दिए जाते हैं उस चीज़ की पेमेंट करने के लिए। और ऐसे में अगर कोई भी पर्सन उस टाइम के अंदर उस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करता तो उस व्यक्ति को चुकानी पड़ती है एक बहुत ही बड़ी पेनल्टी। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या कोई भी पर्सन एक क्रेडिट कार्ड का यूज़ एक एटीएम में कर सकता है और पैसे निकलवा सकता है या फिर नहीं। तो इस चीज़ के अंदर खुली छूट दी होती है बैंक द्वारा कि कोई भी पर्सन एक क्रेडिट कार्ड का प्रयोग एक एटीएम मशीन में भी कर सकता है, लेकिन इस चीज़ के लिए जैसे कि एक पर्सन की हर एक महीने एक लिमिट तय की जाती है, उसी लिमिट के अंदर एक पर्सन की एक विड्रॉल लिमिट भी तय की जाती है, जिसके अंदर वो व्यक्ति उस लिमिट के हिसाब से एटीएम से पैसे निकलवा सकता है। लेकिन ऐसे में अगर कोई भी पर्सन एक क्रेडिट कार्ड का प्रयोग यानी कि यूज़ एक एटीएम मशीन में जाकर करता है, तो उस व्यक्ति को उस पैसे के हिसाब से एक चार्ज भी देना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर किसी भी पर्सन को एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो वो कैसे अप्लाई कर सकता है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गई है आज के टाइम पर कि अगर किसी भी पर्सन को एक पर्टिकुलर बैंक का क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो वो व्यक्ति उस बैंक में जाकर एक फॉर्म भर सकता है, या फिर वो व्यक्ति उस बैंक के एक कस्टमर केयर को भी कॉल कर सकता है और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करवा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड लेने के एक पर्सन को क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा इसमें ये बात करता है कि इस कार्ड से एक व्यक्ति उसके खाते में जमा राशि से ज़्यादा की खरीदारी यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। इसमें आपके खाते में कितनी राशि है इससे कोई भी संबंध नहीं होता है।
इसमें अगला फायदा ये बात करता है कि यदि आप इस कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो आपको रिकॉर्ड पॉइंट्स, डिस्काउंट और कैशबैक काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर मिलता है और जिन रिकॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल आप अपनी अगली शॉपिंग में कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस कार्ड में फ्रॉड होने की संभावना कम तो नहीं होती, लेकिन इस कार्ड से शॉपिंग के अंतर्गत अगर आपके साथ भी धोखेबाजी होती है तो धोखेबाजी साबित हो जाने पर बैंक आपसे इसका चार्ज नहीं करेगा। और इसमें अगला फायदा ये बात करता है कि एक क्रेडिट कार्ड से आप किसी भी सामान को किस्तों पर यानी कि ईएमआई पर ले सकते हैं और ईएमआई की राशि आपके क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिक कट होती जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड लेने के एक पर्सन को क्या नुकसान होते हैं। इसमें सबसे पहला नुकसान ये बात करता है कि इस कार्ड में कई ऐसे हिडन चार्जेस और फीस होते हैं जिनका ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता और बैंक भी आपको इनके बारे में नहीं बताता है। ऐसे में जो आपको बिल मिलता है उसमें हिडन चार्जेस और फीस शामिल होती है। और इसी के साथ साथ यदि आप क्रेडिट कार्ड से की गई शॉपिंग का लेट पेमेंट करते हैं तो बैंक आपसे लेट पेमेंट के तहत अलग से फीस चार्ज करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा आप पेमेंट करने में जितना ज़्यादा समय लगाएंगे बैंक आपसे ब्याज सहित इसके पैसे वसूल कर लेती है। और अगला नुकसान इसका ये है कि जब भी आप एक इंटरनेशनल वेबसाइट में पेमेंट करते हैं तो बैंक इसकी जानकारी नहीं रखता है क्योंकि बैंक सिर्फ देश में किए गए पेमेंट को ही अपनी निगरानी में रखता है। ऐसे में इस कार्ड में इंटरनेशनल वेबसाइट से फ्रॉड होने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए, जैसे कि आज की इस वीडियो में आपने क्रेडिट कार्ड के बारे में जाना, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और अगर ऐसी ही जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।